इसराइल पर हमला करने के बाद अब ईरान मिडिल ईस्ट से निकलकर अमेरिका की चौखट तक पहुंच गया है। ईरान की नासिर मिसाइल का वेरिएंट CM-90 मिसाइल अब अमेरिका के पड़ोसी देश वेनेजुएला तक पहुंच गई है। वेनेजुएला के रक्षा मंत्री ने इन मिसाइलों को आधिकारिक रूप से वेनेजुएला की नौसेना में शामिल कर लिया है और इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका की साख को बड़ा बट्टा लगा है, क्योंकि ईरान लगातार मिडिल ईस्ट से लेकर लैटिन अमेरिका तक अमेरिकी विरोधी गुटों की अगुवाई कर रहा है और अब इसी कड़ी में ईरान ने अमेरिका और इसराइल को एक और बड़ा झटका दिया है। दरअसल ईरान ने अपने अपग्रेडेड बवार 373 लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम से पर्दा उठा दिया है। ईरान ने इस एयर डिफेंस सिस्टम को खुद ही बनाया है और इसका पुराना वर्जन ईरानी सेना में साल 2019 में शामिल किया गया था, लेकिन मिडिल ईस्ट में ईरान का ये नया एयर डिफेंस सिस्टम इसराइल और अमेरिका के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है, क्योंकि ईरान के अधिकारियों ने ये दावा किया है कि ये एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिकी स्टेल्थ लड़ाकू जेट्स को इंटरसेप्ट कर सकता है। ईरान का दावा है कि ये रूस के S-300 मोबाइल लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम और अमेरिका के पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम के बराबर है। आपको बता दें कि 17 अप्रैल 2024 को मिलिट्री परेड के दौरान ईरान ने इस एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी दुनिया के सामने पेश किया था और ये हथियार ऐसे समय में सामने आया है जब ईरान और इसराइल में तनाव बढ़ता ही जा रहा है और ईरान को इसराइल के हवाई हमलों का डर भी सता रहा है। लेकिन अब ईरान ने बवार 373 को लेकर दावा किया है कि ये रूसी S-400 मिसाइल सिस्टम से भी ज्यादा शक्तिशाली है। लेकिन ईरान का सबसे बड़ा दावा ये है कि ये अमेरिका के स्टेल्थ फाइटर जेट्स को इंटरसेप्ट कर सकता है। ईरान का कहना है कि ये पांचवी जनरेशन के लड़ाकू जहाज जैसे लॉकहीड मार्टिन्स F-35 लाइटनिंग को भी इंटरसेप्ट कर सकता है, जिसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी लगी होती है। यहाँ तक कि ये टेक्नोलॉजी रडार को भी चकमा दे सकती है, लेकिन ईरान का दावा है कि इस एयर डिफेंस सिस्टम से स्टेल्थ टेक्नोलॉजी भी बच नहीं सकती। इसको लेकर ईरान की न्यूज एजेंसी स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस रिपोर्ट यानी SOFREP का कहना है कि अतिरिक्त रूप से ईरानी सूत्रों ने बताया कि बवार 373 अपग्रेडेड वर्जन में इसकी टारगेट डिटेक्शन ताकत और ट्रैकिंग काबिलियत को और ज्यादा बढ़ाया गया है, जिससे ये एक बार में 100 टारगेट्स को चिन्हित कर सकता है और ये Syed-4B मिसाइलों से कई खतरों पर एक साथ हमला कर सकता है। वहीं ईरानी सेना की वेबसाइट में बवार 373 की रेंज 299 किलोमीटर से ज्यादा बताई गई है और ये 120 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। लेकिन इस सब के बीच बड़ा सवाल अमेरिका के उन प्रतिबंधों का है जो ईरान पर लगाए गए हैं और इन प्रतिबंधों के बावजूद ईरान लगातार अपनी सैन्य ताकत को और मजबूत कर रहा है और इसमें रूस और चीन से आने वाली टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी भूमिका है, जो ईरान को इन खतरनाक हथियारों को बनाने में मदद कर रही है।